हेलो मैम परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए अपने एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का लास्ट वीडियो, जिसमें हम लोग बात करेंगे यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स के बारे में, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आप लोग को पिछले दो वीडियो समझ में आई या फिर नहीं आई। ठीक है, और आप लोगों ने देखी या फिर नहीं देखी। क्योंकि देखो, अगर पिछली दो वीडियो नहीं देखी है या फिर नहीं समझ में आई है, तो आज का लेक्चर समझने में आप लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने वो वीडियो देख रखी होगी और आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी अगर नहीं आया तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या चीज़ें नहीं समझ में आई। ठीक है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ। और बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स की। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम लोग जो है टाइट्रेशन कर्व्स के नाम से भी जानते हैं। अब एग्जाम में कभी कभी आपसे जो है टाइट्रेशन कर्व के नाम से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो हमारा ये न्यूट्रलाइजेशन कर्व है, ठीक है, इसको समझने से पहले हम लोग अपने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारे न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स में बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये सारी चीज़ें पता है तो आप वीडियो को थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हो। जैसे बात करें हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा क्या होता है, जो कि कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है, जब हम लोग उसको वाटर या फिर एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखी हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को पता हो। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि इसको जब भी हम लोग यहाँ पे वाटर या एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करेंगे, ठीक है, तो मान लो हम लोगों ने 10 मोल डिजॉल्व किया, तो 10ों का 10 मोल यहाँ पे डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट मतलब यहाँ पे ब्रेक हो जाना, ठीक है, H+ और Cl- में। और उसी तरीके से देखो वीक एसिड क्या होगा। वीक एसिड बहुत ही सिंपल है कि इसको हम लोग यहाँ पे जब डिजॉल्व करेंगे तो ये पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो हम लोगों ने इसका, हमारा वीक एसिड का एग्जाम्पल होता है CH3COOH, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मान लो अगर इसको हम लोगों ने वाटर में डिजॉल्व किया, ठीक है, 10 मोल, तो यहाँ पे क्या है ना कि इसका सिर्फ जो है 3 या 4 मोल जो है ब्रेक होगा और बाकी 10 मोल जो है वैसे का वैसा रखा रहेगा। ठीक है, यानी कि ये जो है कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में, तो जैसे हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता था, वैसे ही हमारा स्ट्रॉन्ग बेस भी यहाँ पे कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है जब भी हम लोग उसको वाटर या फिर एक्वा सोल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसका हमारा सबसे फेमस एग्जाम्पल होता है यहाँ पे NaOH। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे डिजॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे Na+ और OH- में यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे वीक बेस होता है वो क्या होता है, वो यहाँ पे पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होता है। ठीक है, और जैसे इसका फेमस एग्जाम्पल है हमारा NH4OH, तो इसको हम लोग यहाँ पे डिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ब्रेक होता है NH4+ और OH- में, लेकिन पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होता है। यानी अगर 10 मोल हम लोगों ने डाला तो मान के चलो 3 से 4 मोल होगा, बाकी के 5-6 मोल यहाँ पे नहीं होंगे। तो देखो, ये तो बहुत ही कॉमन टर्म्स थे और आप में से कई लोगों को ऑलरेडी पता भी होंगे, बट अब हम लोग यहाँ पे जो है 2-3 नए टर्म्स को देखते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, यहाँ तक आप लोगों ने एक चीज़ तो समझ ली, ठीक है, बहुत अच्छे से इसको अपने दिमाग में एकदम बहुत अच्छे से फिट कर लो। ठीक है, कि हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल देखे। इन चारों को आप लोग अपने दिमाग में बैठा लो। HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, और NaOH हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, और CH3COOH, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, वीक एसिड, और NH4OH हमारा क्या होता है, वीक बेस। देखो, यही चारों आप लोग को स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादातर यही चारों देखने को मिलेंगे, तो इन चारों को आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लो। आज का पूरा लेक्चर हमारा इन्हीं चारों पे बेस होने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अपने कुछ नए टर्म्स के बारे में। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे होता है न्यूट्रल सॉल्ट, तो ये न्यूट्रल सॉल्ट हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन। यानी बहुत ही सिंपली, अगर हमारा कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा, अब देखो ये तो आप लोग को पता ही है ना कि एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमारा सॉल्ट बनता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में रिएक्शन हो रही है तो जो सॉल्ट बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट। और यहाँ पे देखो, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, इसका pH यहाँ पे 7 होता है। ठीक है, इसका pH हमेशा यहाँ पे 7 होगा। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट के बारे में, तो ये हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस रिएक्शन। देखो बहुत ध्यान से समझो, एसिडिक सॉल्ट है ना, तो यहाँ पे एसिड क्या होगा हमारा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और बेस हमारा क्या होगा, वीक। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा क्या होता है, HCl, और वीक बेस हमारा क्या होता है, NH4OH। तो ये दोनों की जब रिएक्शन होगी तो जो सॉल्ट बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट। और इसकी सबसे फेमस प्रॉपर्टी क्या है, इसका pH हमेशा यहाँ पे जो है 7 से नीचे होता है। ठीक है, यानी इसका एसिडिक pH होता है। अब आप लोग को पता है ना, हमारे एसिड का pH यहाँ पे 7 से नीचे होता है और बेस का 7 से ऊपर होता है। तो देखो, इसके अंदर एसिड हमारा स्ट्रांग है तो इसके अंदर मेन प्रॉपर्टी हमारे एसिड की होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सॉल्ट बनेगा उसका pH यहाँ पे 7 से नीचे आएगा।
देखो बहुत अच्छे से समझ लो, अभी हम लोग जब न्यूट्रलाइजेशन कर्व देखेंगे ठीक है, तो उसमें हमारी जो स्ट्रांग एसिड और वीक बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उसमें हमारा ये टर्म बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ठीक है। और बात करें हम लोग यहाँ पे बेसिक सॉल्ट के बारे में, तो देखो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे बेसिक सॉल्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रांग बेस एंड वीक एसिड रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे बेसिक सॉल्ट है तो बेस हमारा स्ट्रांग होगा और एसिड हमारा वीक होगा। जैसे हमारा स्ट्रांग बेस होता है NaOH ठीक है, और वीक एसिड हमारा क्या होता है CH3COOH। तो इन दोनों की रिएक्शन से जो सॉल्ट बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक सॉल्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका pH हमारा क्या होता है 7 से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेस हमारे स्ट्रांग है तो मेन प्रॉपर्टी हमारे बेस की होगी, तो इसका pH हमेशा यहाँ पे 7 से ज़्यादा होता है। किसका? बेसिक सॉल्ट का। तो आई होप कि आप लोगों को इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और हो जानी चाहिए। अगर नहीं हुई हैं तो आप लोग जो है दोबारा से लेक्चर देखो और अच्छे से समझ लो, क्योंकि आगे हमारा यही सारी चीज़ें जो है यूज होने वाली हैं ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में। अब देखो एक बात आप लोग मेरी ध्यान से सुनो, जो हमारा यहाँ पे एसिड बेस टाइट्रेशन का क्लासिफिकेशन है और जो हमारा यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन कर्व है, ये दोनों एक ही टॉपिक है। देखो टॉपिक तो यहाँ पे अलग अलग है लेकिन ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं ठीक है, बात को समझो। जैसे अगर क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन आप लोगों से पूछा गया ठीक है, तो अभी हम लोग जो आगे देखने वाले हैं आप लोग को वही सारी चीज़ें लिख के आनी है। और अगर न्यूट्रलाइजेशन कर्व पूछा गया तो भी आप लोग को वही चीज़ें लिख के आनी है, क्योंकि कर्व हमारा इसी का बनता है। तो अब यहाँ पे देखो हमें दो चीज़ें पता चल चुकी हैं ठीक है, कि हमारा जो एसिड और बेस है वो यहाँ पे स्ट्रांग या वीक हो सकते हैं ठीक है। अब हमें पता है कि हमारी जो टाइट्रेशन है वो हमारी किसके बीच में होती है? टाइट्रेंट और एनालाइट के बीच में ठीक है। टाइट्रेंट हमारा यहाँ पे ब्यूरेट में होता है जिसके बारे में हमें पता होता है, और एनालाइट हमारा यहाँ पे फ्लास्क में होता है जिसके बारे में हमें पता करना होता है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा टाइट्रेंट है हो सकता है ना कि वो हमारा स्ट्रांग एसिड हो, या फिर हो सकता है वीक एसिड हो, या फिर हो सकता है स्ट्रांग बेस हो, या फिर हो सकता है वीक बेस हो, है ना। ये चारों नेचर हमारे टाइट्रेंट के भी हो सकते हैं और यही चारों नेचर हमारे एनालाइट के भी तो हो सकते हैं, है ना। हो सकता है ये भी हमारे ये चारों में से कुछ हो। तो इस तरीके से जो हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन है उसको हम लोग यहाँ पे 8 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग जो है अपने एनालाइट को एसिड ले रहे हैं ठीक है, अब स्ट्रांग है वीक है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है ठीक है। एनालाइट अगर हमारा एसिड है और टाइट्रेंट हमारा बेस है तो हमारी क्लासिफिकेशन 4 टाइप की होगी। देखो कौन कौन सी? स्ट्रांग एसिड वर्सेज स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग एसिड वर्सेज वीक बेस, वीक एसिड वर्सेज स्ट्रांग बेस, और वीक एसिड वर्सेज वीक बेस। और अगर हम लोगों ने यहाँ पे एनालाइट में बेस को लिया और टाइट्रेंट में एसिड को लिया ठीक है, यानी अगर हमें बेस के बारे में पता लगाना है एसिड की हेल्प से, तो हमारी टाइट्रेशन भी 4 टाइप की हो सकती है, स्ट्रांग बेस वर्सेज स्ट्रांग एसिड। अब देखो आप लोग ये मत समझो कि ये दोनों सेम ही है, स्ट्रांग एसिड वर्सेज स्ट्रांग बेस और स्ट्रांग बेस वर्सेज स्ट्रांग एसिड सेम नहीं है। यहाँ पे देखो यहाँ पे एनालाइट हमारा स्ट्रांग एसिड है ठीक है, और यहाँ पे एनालाइट हमारा क्या है? स्ट्रांग बेस ठीक है। यहाँ पे ये हमारा अननोन है जबकि यहाँ पे ये हमारा अननोन है। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए ना कि हमारी एसिड बेस टाइट्रेशन को हम लोग यहाँ पे 8 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। बट अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनना, जो हमारा यहाँ पे सिलेबस है उसमें हमें जो है 4 टाइप की क्लासिफिकेशन ही पढ़नी है ठीक है, जिसमें हमारा सिर्फ एसिड यहाँ पे एनालाइट के रूप में हम लोग यूज करेंगे ठीक है। यानी हमें जो है एसिड की कंसंट्रेशन का ही पता लगाना है अपने सिलेबस में, यानी हम लोगों ने जो ऊपर वाला देखा यही हमारे सिलेबस में हमें पढ़ना है ठीक है। स्ट्रांग एसिड वर्सेज स्ट्रांग बेस और वीक एसिड वर्सेज स्ट्रांग बेस, और इसी तरीके से हमें जो है 4 पढ़नी है और इन्हीं चारों का हमें 4 अलग अलग टाइप का कर्व पढ़ना है ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपनी आज के वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा है न्यूट्रलाइजेशन कर्व। अब देखो यहाँ पे कर्व क्या होता है? तो देखो जब भी हम लोग यहाँ पे किन्हीं दो चीज़ों के बीच में ग्राफ बनाते हैं ठीक है, ग्राफ हमारा ऐसा होता है ना, पता है ना आप लोगों को थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे देखो ये हमारी क्या होती है एक्स एक्सिस है ना ये वाली, और ये हमारी क्या होती है वाई एक्सिस। तो जब हम लोग यहाँ पे किसी दो चीज़ों के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं ठीक है, और हम जब पॉइंट्स को यहाँ पे मिला देते हैं तो हमें कुछ इस टाइप का यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कर्व ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन कर्व में हम लोगों को क्या पढ़ना है? अब न्यूट्रलाइजेशन कर्व में जो हमारा ग्राफ है ठीक है वो यहाँ पे किसके बीच में होगा? आप लोग ध्यान से देखना, इसमें हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे पीएच ऑफ द एनालाइट ठीक है, पीएच ऑफ द एनालाइट ठीक है वर्सेज वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। अब देखो अभी आप लोग कंफ्यूज मत हो, हम लोग पूरा यहाँ पे कर्व वर्व बना के देखेंगे ठीक है, कैसे यहाँ पे बनता है एक एक चीज़ आप लोग को हम लोग बताते हुए चलेंगे ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे पीएच ऑफ द एनालाइट वर्सेज वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड। अब अभी तो आप लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ठीक है, अभी सब समझ में आ जाएगा ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना पहला टाइप पढ़ते हैं जो कि हमारा स्ट्रांग एसिड वर्सेज स्ट्रांग बेस टाइट्रेशन ठीक है, यानी इसका कर्व हम लोग सबसे पहले जो है बना के देखते हैं, और इसका आप लोग समझ जाओ बाकी आप लोग अपने आप समझ जाओगे ठीक है।
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। तो यहाँ पे देखो आप लोग ध्यान से देखना, हमारी टाइट्रेशन किसके बीच में हो रही है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। और हम लोगों ने देखा है कि हमारा जो, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझो कि जो हमारा पहले लिखा होता है ठीक है वो होता है हमारा एनालाइट, और जो बाद में लिखा होता है वो होता है हमारा टाइट्रेंट। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, एनालाइट है ठीक है। तो एनालाइट हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे HCl, ठीक है HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना। और यहाँ पे टाइट्रेंट हमारा क्या हो गया NaOH, ये हमारा क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब हम लोग यहाँ पे इन दोनों के बीच में जब यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो जो कर्व हमें मिलेगा वो हो जाएगा हमारा इसका कर्व ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखना ठीक है, हम लोग यहाँ पे कर्व बनाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन का। तो यहाँ पे वाई एक्सेस में हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पे वाई एक्सेस पे हमारा हो गया पीएच ऑफ द एनालाइट। तो एनालाइट हमारा क्या है यहाँ पे HCl है ना, तो पीएच ऑफ HCl। और एक्स एक्सेस पे हमारा क्या है वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड ठीक है। तो टाइट्रेंट हमारा क्या है NaOH है ना, यहाँ पे देखो टाइट्रेंट हमारा NaOH है ना, तो वॉल्यूम ऑफ NaOH है ना, वॉल्यूम ऑफ NaOH। अब यहाँ पे देखो ये ग्राफ कहना क्या चाह रहा है, ध्यान से सुनना आप लोग, यहाँ पे ग्राफ कहना ये चाह रहा है कि जब हम लोग यहाँ पे टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे हमारा जो यहाँ पे टाइट्रेंट है ठीक है, तो वो जब एनालाइट में गिरना चालू होता है तो उसकी वजह से यहाँ पे जो एनालाइट है उसके पीएच में कैसे चेंज आता है ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे ग्राफ में बनाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हो पीएच ऑफ द एनालाइट यानी कि, और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड यानी कि जब हम लोग यहाँ पे टाइट्रेंट का वॉल्यूम ठीक है, जैसे इसमें हम लोग जैसे जैसे वॉल्यूम को ऐड करते जा रहे हैं तो कितने वॉल्यूम पे हमारा जो है पीएच कितना चेंज हो रहा है, वही हमारा यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन कर्व का ग्राफ होता है। देखो अभी नहीं समझ में आ रहा ना ठीक है, हम लोग यहाँ पे ग्राफ बना के देखते हैं आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ किसके बीच में बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा यहाँ पे HCl और बेस हमारा NaOH ठीक है। तो यहाँ पे देखो ग्राफ हमारा यहाँ पे चार पॉइंट पे बनता है ठीक है, हमारा जो न्यूट्रलाइजेशन कर्व का ग्राफ है वो हमारा यहाँ पे चार पॉइंट के बीच में हमें बनाना है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा, अब देखो पीएच ऑफ HCl, तो हम लोग यहाँ पे पीएच बना लेते हैं ठीक है ऐसे। तो ये हमारा यहाँ पे पीएच हो गया और ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ NaOH। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना, सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे क्या होगा, हमारी टाइट्रेशन अभी शुरू तो हुई नहीं है, तो यहाँ पे जो हमारा एनालाइट है ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे यहाँ बनाते हैं ठीक है, यहाँ पे जो हमारा एनालाइट है तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ हमारा यहाँ पे HCl होगा, और HCl हमारा क्या होता है बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ठीक है। तो इसकी यहाँ पे जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होती है, एक होती है ठीक है, जो हमारा HCl है उसका पीएच हमारा एक होता है ठीक है। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी NaOH जो है इसमें ऐड नहीं किया है तो इसका पीएच कितना है, वन है ना। तो अभी वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना है, जीरो, और पीएच हमारा कितना है, वन। तो हमारा एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे जो है अपनी टाइट्रेशन को शुरू करेंगे। तो क्या होगा, NaOH यहाँ पे गिरना चालू होगा। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे जैसे जैसे इसमें इस HCl में ठीक है NaOH गिरना चालू होगा तो क्या होगा, इसका पीएच यहाँ पे बढ़ना चालू हो जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो NaOH है ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और बेस का पीएच क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और HCl हमारा क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका पीएच कम है। तो देखो जैसे जैसे ये गिरना चालू होगा तो इसका पीएच यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बढ़ना चालू हो जाएगा ना, क्योंकि हमारा बेस भी तो इसमें ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा पीएच जो है मान लेते हैं कि हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे NaOH का वॉल्यूम ऐड किया, तो उसकी वजह से जो हमारा HCl है उसका पीएच यहाँ पे बढ़ के एक से जो है तीन हो गया ठीक है। तो यहाँ पे मान लो हम लोगों ने इतना वॉल्यूम NaOH का ऐड किया तो उसकी वजह से हमारा पीएच कितना हो गया, तीन ठीक है, तीन हमारे यहाँ पे है। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे कहाँ मिल गया, यहाँ ठीक है, कुछ यहाँ पे मिल गया हमें ठीक है। और उसके बाद अब देखो अब क्या होगा, अब हमारा यहाँ पे आएगा इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा, हमारा जो NaOH है ठीक है वो यहाँ पे हमारे HCl को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर देगा है ना। इक्विवेलेंस पॉइंट पे हम लोगों ने देखा था, देखो अगर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारी लास्ट टू वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग उसको देख लेना, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली है। इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होता है, हमारा मोल्स ऑफ NaOH ठीक है, मोल्स ऑफ NaOH हमारा किसके बराबर हो जाएगा, मोल्स ऑफ HCl है ना, मोल्स ऑफ HCl। और यहाँ पे हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा और हमारी क्या बन जाएगी, सॉल्ट बन जाएगी ठीक है, NaCl बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देख रहा यहाँ पे, और हाँ यहाँ पे जो हमारा NaCl है वो क्या होता है, वो हमारे यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट होता है, और इसका पीएच कितना होगा, सेवन होगा है ना। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा, जो हमारा पीएच है वो हमारा कितना हो जाएगा, सेवन ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग यहाँ पे और मान लेते हैं हमारा इतना जो है NaOH ऐड हुआ ठीक है, तो ये पॉइंट हमें कुछ यहाँ पे यहाँ मिल जाएगा यहाँ पे ठीक है, हाँ तो ये पॉइंट हमें यहाँ मिल गया। तो अब यहाँ पे देखो जो हमारा टाइट्रेशन है उसका इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है। अब यहाँ पे देखो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद जैसे ही NaOH और इसमें गिरना चालू होगा वैसे ही क्या होगा, जो हमारा ये एनालाइट है वो HCl से जो है NaOH में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हमारा जो एनालाइट है उसका नेचर यहाँ पे एसिड से बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि HCl को यहाँ इक्विवेलेंस पॉइंट तक
HCl को NaOH ने पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया। अब ना तो यहाँ पे HCl ज्यादा है ना तो NaOH ज्यादा है, लेकिन इसके बाद अब अगर NaOH की एक बूंद भी गिरी तो NaOH थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, पीएच जो एनालाइट है, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे फ्लास्क में जो सोल्यूशन है इसका पीएच यहाँ पे बढ़ के जो है 7 से बढ़ जाएगा, हमारा बेस की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, इक्विवेलेंस पॉइंट है ना, इक्विवेलेंस पॉइंट हो गया। और यहाँ पे देखो इसके बाद इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद जैसे ही हम लोगों ने NaOH को थोड़ा सा और ऐड किया, वैसे ही क्या हुआ, पीएच हमारा जो है बढ़ के हम लोग मान लेते हैं 12 तक पहुँच गया। ठीक है, बहुत तेज इसके बाद पीएच बढ़ेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमें 4 पॉइंट मिल गए, अब इन 4 पॉइंट को हम लोग यहाँ पे मिला लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पे टाइट्रेशन कर्व हमें देखने को मिलता है। ठीक है, देखो ये वाला, तो अब हम लोग यहाँ पे इसको जो है इसमें बहुत ही क्लियरली देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में जो हमारा एनालाइट है वो हमारा HCl, ठीक है, और जो हमारा टाइट्रेंट है वो हमारा क्या हो गया, NaOH। तो अब अगर हम लोग जो है इनके बीच में यहाँ पे कर्व बनाएंगे तो हमें जो है कुछ इस टाइप का जो है कर्व देखने को मिलेगा, और हम लोगों ने ऑलरेडी अच्छे से देख लिया है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा पहला पॉइंट था, यहाँ पे क्या था, हमारा जो एनालाइट है उसमें सिर्फ HCl था। ठीक है, अभी अभी हमारी टाइट्रेशन शुरू नहीं हुई है तो NaOH बिल्कुल नहीं ऐड हुआ है, तो इसका पीएच कितना है, 1। अब उसके बाद जैसे जैसे हम लोगों ने NaOH को ऐड करना शुरू किया हमारा पीएच बढ़ना चालू हो गया। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट पे हमारा पीएच कितना हो गया, 3। और उसके बाद थर्ड पॉइंट पे हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा पीएच कितना है, 7। और उसके बाद हम लोगों ने जैसे ही NaOH और ऐड किया उसके बाद क्या हुआ, हमारा पीएच जो है सीधे बढ़ के 12-13 पहुंच गया। ठीक है, चौथे पॉइंट पे। तो देखो यही सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में लिखी हुई हैं, तो आप लोग यहाँ पे पढ़ के समझ सकते हो। बाकी देखो इसको मैं आप लोग को थोड़ा समझा देता हूँ, आगे वाले आप लोग अपने आप समझ लेना। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट वन है वहाँ पे क्या है, नो NaOH इज एडेड इन द HCl सो द पीएच ऑफ द एनालाइट इज वेरी लो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हमारा पहला पॉइंट है वहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी NaOH अभी तक ऐड नहीं हुआ है क्योंकि हमारी टाइट्रेशन अभी शुरू नहीं हुई है, तो इसका पीएच क्या है, बहुत लो है। और उसके बाद जो हमारा पॉइंट टू है, ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन यानी कि इक्विवेलेंस पॉइंट से जस्ट पहले यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे जो हमारा पीएच है वो कितना होता है, लगभग 3 के करीब। और उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा पॉइंट 3, और यही हमारे टाइट्रेशन का यहाँ पे टाइट्रेशन कर्व या फिर न्यूट्रलाइजेशन कर्व का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। ठीक है, एट दिस टाइम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। ठीक है, द सोल्यूशन कंटेन्स न्यूट्रल सॉल्ट, हेंस द पीएच इज न्यूट्रल, पीएच इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा थर्ड पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट, और यहाँ पे हमारा पीएच कितना है, 7। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे क्या है कि इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद अगर हम लोग यहाँ पे NaOH को जो है ऐड करना कंटिन्यू रखते हैं तो क्या होगा, पीएच स्टार्ट्स बिकमिंग बेसिक, यानी कि पीएच हमारा बेसिक हो जाएगा यानी 7 से बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि इक्विवेलेंस पॉइंट के टाइम पे जो हमारा HCl था वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुका था। ठीक है, तो अब अगर NaOH और गिरा तो यहाँ पे OH माइनस आयन ज़्यादा प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, पीएच यहाँ पे बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन का यहाँ पे कर्व पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं केस नंबर 2 की। यहाँ पे हमारी टाइट्रेशन किसके बीच में हो रही है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में। ठीक है, तो वीक एसिड हमारा क्या है, CH3COOH, और स्ट्रॉन्ग बेस हमारा क्या है, NaOH। ठीक है, तो इनके बीच में हम लोग जब टाइट्रेशन कराएंगे तो हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप का कर्व देखने को मिलेगा। अब आप लोग यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें नोटिस करने की कोशिश करना। यहाँ पे देखो जो हमारा पहला पॉइंट है, यहाँ पे हमारा पीएच कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमारा एसिड है, ठीक है, वो हमारा क्या है, वीक है। तो वीक एसिड का जो पीएच है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, 3-5, मतलब 3 से लेकर 7 के बीच में होता है। तो हमारा यहाँ पे जो पीएच है वो यहाँ पे 3 से स्टार्ट हो रहा है। और दूसरे पॉइंट पे क्या है, दूसरे पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे NaOH को थोड़ा सा ऐड करना चालू करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे पीएच और बढ़ना चालू हो जाएगा। और उसके बाद आएगा हमारा यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे जो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट है यहाँ पे ये कितने पे आ रहा है, यहाँ पे जो है 8 से 10 के बीच में आ रहा है। ठीक है, इसका पीएच यहाँ पे 7 नहीं है। अब ऐसा क्यों है, आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारी टाइट्रेशन किसके बीच में हो रही है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। और मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में जब रिएक्शन होगी तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, बेसिक सॉल्ट। और बेसिक सॉल्ट का पीएच क्या होता है, 7 से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन का जो कर्व बनता है इसमें हमारा जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो यहाँ पे 7 से ज़्यादा आता है। ठीक है, हमारा लगभग 8-9 के करीब में आता है। और उसके बाद हमारे इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद अगर हम लोगों ने यहाँ पे NaOH को और ऐड किया तो पीएच यहाँ पे थोड़ा और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हमारे टाइट्रेशन कर्व में होती हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग को 4 पॉइंट डिस्कस करने होते हैं। तो यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 3 को हम लोग डिस्कस करते हैं, बाकी सब तो सेम ही है। तो यहाँ पे दिस इज द इक्विवेलेंस पॉइंट, एट दिस टाइम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COOH, बट सिंस द रिएक्शन इज बिटवीन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस द
द सॉल्ट फॉर्म्ड विल बी बेसिक सॉल्ट एंड हेंस पीएच विल बी ग्रेटर देन 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये चीज़ तो हम लोगों ने समझ ली कि यहाँ पे बेसिक सॉल्ट बन रहा है तो इसका पीएच यहाँ पे 7 से बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से जो हमारा पीएच है वो यहाँ पे 7 से बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे इसके अंदर की मैकेनिज्म को जो है समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखना, हमारी टाइटेशन किसके बीच में हो रही है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड हमारा क्या है, CH3COOH, है ना, और स्ट्रॉन्ग बेस हमारा क्या है, NaOH। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, जब ये दोनों यहाँ पे रिएक्ट करेंगे, ठीक है, CH3COOH, ठीक है, और प्लस NaOH, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा हमारा यहाँ पे CH3COONa। ठीक है, ये होगा हमारा यहाँ पे बेसिक सॉल्ट, है ना, जिसका पीएच यहाँ पे कितना होता है, 7 से बढ़ जाएगा। लेकिन कैसे बढ़ेगा अभी आप लोग ध्यान से देखना, और हमारा क्या बनेगा, H2O। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, यहाँ पे ये जो हमारा CH3COONa है, ठीक है, ये यहाँ पे डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, डिसोसिएट होगा हमारा CH3COO- में और Na+ में। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब हमारा ये जो CH3COO- है ये क्या करेगा, देखो ये हमारा यहाँ पे CH3COO- यहाँ पे H2O से रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, H2O हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसके साथ ये रिएक्ट करके क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे CH3COOH में, और यहाँ पे हमारा जो है OH- आयन रिलीज हो जाएगा। और OH- आयन क्या होता है, बेस के अंदर की सबसे मेन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि इक्विवेलेंस पॉइंट के टाइम भी हमारा जो पीएच है वो यहाँ पे इस OH- आयन की वजह से 7 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग अब समझ गए होंगे कि इसके अंदर कैसा मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपने थर्ड टाइप को, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हाइड्रेशन। अब यहाँ पे देखो, अब हमारा एसिड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा HCl हो गया। ठीक है, और हमारा जो यहाँ पे टाइट्रेंट है, ठीक है, वो हमारा वीक बेस है, यानी NH4OH। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब इसका कर्व आप लोग जो है ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला पॉइंट है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक ही से स्टार्ट हुआ है, यानी ये हमारा नीचे से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो HCl है वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और इसका पीएच यहाँ पे कितना होता है, 1 होता है, तो इसका ग्राफ हमारा 1 ही से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका ग्राफ 1 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और दूसरे पॉइंट पे क्या हुआ, हम लोगों ने यहाँ पे NH4OH को ऐड करना चालू किया, तो इसका जो हमारा पीएच है वो धीरे धीरे थोड़ा सा इसका जो हमारा पीएच है वो धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ना चालू हुआ। ठीक है, और उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या आएगा, हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट है वो क्या हो रहा है, 7 से नीचे आ रहा है, इसका इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा है 5 के करीब में। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारी टाइट्रेशन है वो हो रही है हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में। और मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब रिएक्ट करते हैं तो जो सॉल्ट बनता है वो कौन सा होता है, एसिडिक सॉल्ट, और एसिडिक सॉल्ट का पीएच क्या होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट है, यहाँ पे जो हमारा पीएच है वो यहाँ पे 7 से नीचे हो जाता है। अब इसके अंदर की मैकेनिज्म अगर आप लोग समझना चाहते हो तो ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारी रिएक्शन हो रही है स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, और वीक बेस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा क्या हो गया, HCl, है ना, और वीक बेस हमारा क्या हो गया, NH4OH। तो ये दोनों जब यहाँ पे रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारा बनेगा NH4Cl। ठीक है, और H2O हमारा अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो हमारा NH4Cl है ये हमारा यहाँ पे डिसोसिएट हो जाएगा NH4+ में और Cl- में। ठीक है, अब ये जो NH4+ है ये यहाँ पे इस वाटर के साथ जो है रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, NH4+, ठीक है, हमारा यहाँ पे H2O के साथ रिएक्ट करके हमारा कन्वर्ट हो जाएगा NH4OH में। ठीक है, और यहाँ पे क्या रिलीज हो जाएगा, H+, और H+ हमारा क्या होता है, H+ हमारे एसिड की मेन प्रॉपर्टी होती है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी एसिडिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी, यानी pH हमारा जो है 7 से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे चीज़ें समझ गए होंगे। ठीक है, और यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो आप लोग यहाँ पे पढ़ के समझ लेना। ठीक है, और फाइनली हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट टाइप की, जो कि हमारा वीक एसिड वर्सेज वीक बेस हाइड्रेशन। ठीक है, तो वीक एसिड हमारा क्या है, CH3COOH। ठीक है, और वीक बेस हमारा क्या है, NH4OH। ठीक है, हमारी यहाँ पे टाइट्रेशन हो रही है NH4OH और CH3COOH के बीच में। तो अब यहाँ पे देखो इसका टाइट्रेशन कर्व हमें जो है कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो नोटिस करने वाली क्या बातें हैं कि इसका जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो भी 7 पे आ रहा है। अब इसका क्यों 7 पे आ रहा है, क्योंकि देखो अब ना तो यहाँ पे एसिड स्ट्रांग है ना तो बेस स्ट्रांग है, दोनों वीक हैं, तो दोनों की प्रॉपर्टी भी लगभग बराबर ही होगी, है ना, तो इसकी वजह से इसका जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो भी यहाँ पे 7 पे देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा कर्व है, ठीक है, वो यहाँ पे शुरू भी ज़्यादा से होता है, क्योंकि हमारा जो हमारा एसिड है वो वीक है, तो इसका पीएच यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो इसका ग्राफ जो है 3 से शुरू होता है लगभग। ठीक है, कह सकते हो।
और ख़त्म भी देखो बहुत जल्दी हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि बेस भी वीक है तो ज़्यादा ऊपर तक जाएगा ही नहीं, ठीक है। अगर स्ट्रांग बेस होता तो हमारा जो है लगभग 12-14 तक चला जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पे बेस भी वीक है इसीलिए हमारा जो है ग्राफ बहुत जल्दी शुरू होकर हमारा बहुत जल्दी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, लेकिन अगर बाई चांस कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो देखो हमारा जो ग्राफ है वो हमें जो है चार चीज़ों के बीच में बनाना है, ठीक है। स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस, वीक एसिड स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस। देखो यहाँ पे देखो ये जो चारों का ग्राफ है, ठीक है, वो लगभग लगभग सेम ही है। देखो कर्व हमें जो है कुछ इस टाइप का कर्व हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो कर्व तो सेम है। यहाँ पे देखो नोटिस करने वाली क्या बात है कि जो हमारा स्ट्रांग एसिड है तो यहाँ पे आप लोग जो ग्राफ है उसको थोड़ा सा नीचे से शुरू करना, ठीक है, और जो हमारा वीक एसिड है यहाँ पे आप लोग ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर से शुरू करना, बाकी बिल्कुल सेम है, एस शेप पे आप लोग को ग्राफ बना देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्ट्रांग है तो नीचे से, यहाँ पे वीक है तो ऊपर से, बस यही सारी चीज़ें हैं और बहुत ईजी है वैसे तो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बट अगर बाई चांस नहीं समझ में आया है तो इस तरीके से भी आप लोग जो है बना के लिख सकते हो। और बाकी हमारी आज की जो वीडियो है वो एक्चुअली एक बार हम लोगों ने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर ली थी, पूरा एडिट कर लिया, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मोबाइल पूरा सॉफ्टवेयर ही लैग कर गया, पूरी वीडियो ख़त्म हो गई, तो हम लोग को यहाँ पे दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। कोई बात नहीं, चलो चलता रहता है। तो चलो ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।